मैं एक्चुअली माइंड में तो अपने माइंड में पीस चाहता हूँ ईशानी के साथ, पर वो हो नहीं पाता है। हमेशा कुछ ना कुछ वो मेरी ज़िंदगी में तूफान लेकर आ जाती है। तो यहाँ पर भी लॉयर जो है वो मुझ पर आँख रखे हुए है कि मुझे ईशानी के साथ अच्छे से बिहेव करना ही है, अदरवाइज़ मुझे कोर्ट में जवाब देना पड़ सकता है बिकॉज़ ईशानी के साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ है। तो मुझे उसके साथ अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा, प्यार से रहना पड़ेगा। और यहाँ पे एक ऐसे कपल की ज़रूरत होती है जहाँ पे जिसने व्रत रखा हो सुबह से, और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया होता है, तो पंडित जी बोलते हैं हम दोनों को स्थान ग्रहण करने के लिए, और इतने में हमें बोलते हैं कि यू नो सिंदूर लगाओ, मंगलसूत्र पहनाओ। तो वो ईशानी ने वो सब नहीं पहना होता है, तो उनका एक रूल होता है कि अगर मंगलसूत्र तो उतार सकते हो लेकिन जो पहनाएगा वो तुम्हारा पति ही पहनाएगा। सो देखा जाए तो इतने टाइम से जो हम लोग अपार्ट थे मैं और ईशानी, वो कहीं ना कहीं इस मोमेंट की वजह से वापस थोड़े करीब आते हैं। मैं तो हर वक्त कोई नई रस्म देखता हूँ हमारे शो में, भले हमारा शो गुजराती है पर कोई ना कोई तो नई रस्में आती रहती हैं और एवरी डे कुछ नया सीखने को मिलता है। हमारे यहाँ पे बहुत शादियाँ होती हैं और घड़ी घड़ी भी होती हैं। ईशानी ने लॉयर को एकदम से झाड़ दिया है कि मेरे पति को क्यों ऐसे ब्लेम ना करो इस चीज़ के लिए, वो आर्मी को अंदर से कैसे फील कर रहे ईशानी इसका साइड। अच्छा भी लग रहा है, एट द सेम टाइम गुस्सा भी आ रहा है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ और मैंने रितिका से जो वादे किए थे मैं उसे निभा नहीं पा रहा हूँ। बट क्या बोलते हैं, लेकिन ईशानी जो स्टैंड लेती है ही इज लाइकिंग इट बट ही इज कंट्रोलिंग हिज इमोशंस। ईशानी का अचानक से नजदीक आना, रितिका और आरवी प्रॉब्लम्स, और डेफिनेटली जो ईशानी बीच में आ रही है मेरे और रितिका के बीच में, उसकी वजह से मेरे और रितिका के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं और हर वक्त मैं उससे मनाता रहता हूँ। और लेकिन रितिका जैसे कि आपको पता है खुद भी शातिर इंसान है, तो वो भी अपने दिमाग में कुछ ना कुछ गेम प्लान लेकर बैठी हुई है जिससे वो ईशानी का पत्ता साफ करना चाहते हैं। जैसे हम जानते हैं राधिका झगड़ दिख रहा है और आपने नेचुरली ये किया है, आपने डांसिंग की है, तो आपको कुछ टिप्स देनी है राधिका को? शी इज ऑलरेडी डांसर, मुझे उसको टिप्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है और आई एम श्योर शी विल परफॉर्म वेरी वेल। विश कुछ करना चाहेंगे उसको? वही मैंने कहा कि माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद हर और उसमें बहुत पोटेंशियल है एंड आई एम श्योर शी विल डू वेल। आप राधिका को जरूर बोल करेंगे उसी के कौन से 10,000 वोट करते हैं, मैं क्यों पैसे लगाते हैं।